गाजीपुर में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2028 सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। ऐसे में आज जिलाधिकारी एमपी सिंह ने जिले के विभिन्न विकास खंडों का स्थलीय निरीक्षण किया और वहां बनाए गए नामांकन स्थल, मतगणना स्थल, पार्टी रवानगी स्थल एवं स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल डीएम एमपी सिंह ने आज जनपद के विकास खंड करंडा, देवकली, सैदपुर, सादात, मनिहारी, बिरनो क्षेत्र में बनाए गए पार्टी रवानगी, मतगणना एवं स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मूलचंद महाविद्यालय होलीपुर देवकली में बनाए गए स्ट्रांग रूम में खिड़कियों की मरम्मत कराने तथा उसे ज्वाइंट कराते हुए वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सैदपुर में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने तथा विकास खंड सैदपुर में नामांकन स्थल पर नाले की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। पंचायत निर्वाचन के संबंध में अभी हम नामांकन पत्रों की बिक्री करवा रहे हैं। जिला पंचायत के लिए यहाँ जनपद मुख्यालय पर हो रहा है, जिला पंचायत कार्यालय में और सभी विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत और प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन फॉर्म लेकर भेजे जा रहे हैं। अभी तक कुल लगभग 17,945 फॉर्म कल तक विक्रय की जा चुके हैं। इसके अलावा नामांकन स्थल हर जगह संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर होगा और जिला पंचायत के लिए राइफल क्लब सभागार में होगा। नामांकन स्थल और काउंटिंग के जो भी स्थान है हमने और एसपी साहब ने जाकर मौके पर देख लिए हैं, जहाँ छोटी मोटी कमियां पाई गई थी उसको ठीक करा लिया है। नामांकन स्थल के लिए महत्वपूर्ण यह है कि क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के लिए और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। मैंने सारे काउंटर्स को देख लिया है जाकर के, जहाँ छोटी मोटी कमियां थी कुछ काम कराए जाने थे संबंधित वीडियोस को बता दिया है, वो अगले 1-10 दिन के अंदर सारे काम पूरे हो जाएंगे। नामांकन के समय किसी को कोई परेशानी न हो नामांकन करने में, इसको भी हम इंश्योर करा रहे हैं। प्लस क्योंकि आयोग का निर्देश है कि 200 मीटर दूर ही कोई भी जुलूस या कोई भी समूह रोक दिया जाएगा, तो हम ये व्यवस्था करा रहे हैं कि 200 मीटर दूर एक बैरिकेड कराएंगे और वहीं से जो प्रस्तावक होगा या जो उम्मीदवार होगा केवल वही आएगा, बाकी उसके अलावा और कोई नहीं आएंगे। जुलूस के दौरान हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इस समय COVID-19 का प्रोटोकॉल है उसको भी हम फॉलो कराएंगे। इसके अलावा जो मतगणना स्थल है, मतगणना स्थलों के लिए भी हमने जाकर के मौके पर जो भी मतगणना स्थल हमारे बनाए गए हैं संबंधित डिग्री कॉलेजेस या इंटर कॉलेजेस, उसको भी जाकर ध्यान से देखा है और उसमें भी जो छोटी मोटी कमियां पाई गई थी उसको भी हमने ठीक कराने के लिए कहा है। वहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्किंग का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जो भी काउंटिंग स्थल बनाए गए हैं वहां स्ट्रांग रूम भी बनेगा और वहीं से हम पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी 28 तारीख को कराएंगे। तो वहां सबसे बड़ी बात होती है गाड़ियों की पार्किंग ठीक से हो जाए, प्लस वहां रवानगी के दिन जितने भी टेबल्स होंगे नया पंचायतवार वो लग जाए। संख्या चूंकि काफी होती है इसलिए एक बड़ा सा ग्राउंड भी होगा, टेंटेज की भी व्यवस्था हम वहां करा रहे हैं। इसके बाद स्ट्रांग रूम बढ़िया से बनवाकर और काउंटिंग के लिए अलग अलग कमरे नया पंचायतवार हमने बनवा दिए हैं, तो ऐसा काउंटिंग तक हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली।